Welcome everyone. In this lecture, we discuss the questions related to the chapter nervous system. जैसा हम लोग हर चैप्टर में करते हुए अब तक आए हैं और ये हम लोग आज नर्वस सिस्टम पर पहुंच गए हैं. इसके बाद दो चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का बचा है, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एक प्लांट फिजियोलॉजी का वहाँ बचेगा, फोटोसिंथेसिस. इसको करने के बाद हमारा ICSE 2020-21 का सिलेबस बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा. और ये लेक्चर खास एक्स्ट्रा इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो लेक्चर हमने अभी तक आपको पढ़ाया है उसमें आपने क्या पढ़ा है, क्या क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस को उसी में से लेकर हम आते हैं आपके लिए यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पर, टेस्ट के तौर पर, जिसको आप करिए, सॉल्व करिए, अपने नोटबुक में से उतारिए. और इसको सॉल्व करने से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में उतने नहीं होते हैं जितने हम आपको यहाँ पर दे देंगे. अभी तो आपके यहाँ पे एक छोटे छोटे से लेक्चर चल रहे, कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो हम खूब क्वेश्चन देंगे, हर चैप्टर्स के दे देंगे कि इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं पाएगा. और आपको पता है कि नेम द फॉलोइंग्स को हम लोग आप डिस्कस करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं और डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछता है उसको हम सॉल्व कराते हैं. कैसे करते हैं इसको, कैसे आपको क्वेश्चन को समझना है, पार्ट्स को या लेबल पार्ट को कैसे हमें जानना है, तो इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. इतने क्वेश्चंस आते भी नहीं जितनी हम लोग ने प्रैक्टिस कर ली. क्वेश्चंस आते हो चाहे एक, लेकिन हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते तब उसमें से कोई एक क्वेश्चंस आता है तब हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं. तो इस वजह से हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. प्रैक्टिस तो इम्पॉर्टेंट होता ही है अपने में, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. नेम द फॉलोइंग है, नेम द फॉलोइंग में जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच इज कंसर्न विद द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी. तो वो पार्ट ब्रेन का बताना है जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी में. नाउ सेकेंड इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विद द मेमोरी, उस पार्ट ऑफ द ब्रेन को जो मेमोरी से कंसर्न है. द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कैरीज इम्पल्स फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम टू द अदर. तो वो पार्ट बताना है ब्रेन का जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के एक पार्ट से और सेरेब्रम से कनेक्ट होता है या मैसेज पहुंचाता है. क्लियर. द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की यूनिट बताना है. सिंपल है, आपको पता होगा. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स होंगे लेकिन जब लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन मैन, ह्यूमन बीइंग, फीमेल, जो भी पूछे वो सब सेम होता है. ठीक है, तो आपको स्पाइनल नर्व्स बताने कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं. द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैन, तो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स स्पाइनल नर्व हमने आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बताया है. नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है. क्लियर. तो ये कुछ क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस ही आप आते हैं हम कुछ लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस तो बहुत, अगर आपको हम ओरल ही बोलें तो आप लिखने पर मजबूर हो जाओ कि कितना क्वेश्चंस हो जाएंगे. क्लियर. ना डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस ये काफ़ी इजी टाइप में होते हैं स्कोरिंग मार्क करने के लिए. अगर ये सॉल्व कर लिया तो 3-4 क्वेश्चंस तो सब्जेक्टिव में आप इसी के बेस्ड पर आते हैं. आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं सब्जेक्टिव में 50 नंबर के, उसमें तो 4 या 5 ये आते ही आते हैं. तो अगर हर चैप्टर का हमको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे किस बेस से है तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे. तो ये आपका स्ट्रक्चर है. पहली बात तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. अगर बता दिया है डायग्राम में या पेपर में आपको बता दिया है तो वो तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो आपको डायग्राम को पहचानना आना चाहिए. इसलिए हम डायग्राम को नहीं बताते हैं क्योंकि आप समझ जाओ कि कैसे होता है. क्लियर. नाउ लेबल द पार्ट्स ए बी एंड सी, तो ये तो ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन ही से नर्वस सिस्टम हम लोग ने पढ़ा है तो ब्रेन का पार्ट है. ए बी एंड सी, ए इज योर सेरिब्रम, बी इज योर सेरिबेलम एंड सी इज योर
स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन नीचे लेवल के इसलिए स्पाइनल कॉर्ड, ऊपर पे कहीं करते तो मेडुला ऑब्लॉंगाटा भी हो सकता था, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द पार्ट ए एंड बी। तो मेन फंक्शन क्या है ए और बी का, इसका क्या फंक्शन? सेरिब्रम, द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज कंसर्न्ड विद रीजनिंग, मेमोरी, थिंकिंग, स्टडिंग, राइटिंग। हमने बताया द सेरिब्रम का फंक्शन इज रिलेटेड टू योर स्टडी, आपका उससे जो स्टडी पे फोकस होता है, तो उससे हो गया आपका सेरिब्रम। आप कुछ भी लिख दीजिए, रीजनिंग, थिंकिंग, उस पर ये करेगा। नाउ सी बी वन इज द सेरिबेलम। सेरिबेलम को आपको बताए थे इट कोऑर्डिनेट्स विद द मस्कुलर एक्टिविटी एंड बैलेंस द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करता है। और आपको बताए थे फिजिकल एक्टिविटी का अगर काम है वॉलेंट्री कंट्रोल का, तो वो आपका सेरिबेलम का है। बताए थे डांसिंग है, किकिंग ऑफ फुटबॉल है, साइकिलिंग है, ये सब जो है सेरिबेलम कंट्रोल करता है। नाउ थर्ड वन, मेंशन द कलेक्टिव टर्म फॉर द मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन। कलेक्टिव टर्म ऑफ द मेम्ब्रेन, तो कलेक्टिव टर्म आपका क्या था? मेलेंजेस। मेलेंजेस इसमें तीन लेयर थे, डैप, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मीटर एंड पायामीटर। तो ड्यूरामेटर आउटर, एरेक्नॉइड मीटर मिडिल एंड पायामीटर आपका नीचे इनर। तो ये आपको बताया था, डैप से याद करिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में, उसका क्या फंक्शन है? तो कोई भी फ्लूइड होता है उसका फंक्शन होता है दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है आपको, आपके अंदर ऑर्गेंस को। फिर दूसरा फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज अ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस को चेंज करता है, फूड मटेरियल को पहुंचाता है एंड द एक्सक्रेटरी सब्सटेंस। तो इतने सारे फंक्शन हो गए आपके। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ ब्रेन। तो ये हमने एक सिंपल सा लिखा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े स्पेस की कमी थी, वैसे क्वेश्चन हो गए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन। तो यूनिट ऑफ ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन मतलब एक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है व्हाट द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो यूनिट ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम सब एक ही है, तो ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको बताइए, क्योंकि ये हम बता देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। हाउ आर द पार्ट्स ऑफ दिस यूनिट्स अरेंज इन ए एंड सी। तो पार्ट्स ऑफ दिस यूनिट, उस यूनिट के पार्ट्स में आपका क्या अरेंजमेंट है? तो सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड का पूछ रहा है। तो आपको बताया था अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो जो आउटर पार्ट होता है वो आपका ग्रे कलर का होता है, इनर पार्ट इज वाइट इन कलर। तो मतलब ग्रे पार्ट जो है वो साइटॉन का बना हुआ है, फिर भी आपको क्लू मिल गया सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चंस, क्लियर। और जो व्हाइट पार्ट होता है वो एक्सॉन का बना हुआ है। तो आउटर वन ऑफ दिस सेल इज एसोसिएटेड विद साइटॉन एंड द इनर वन इज विद द एक्सॉन, बट इन स्पाइनल कॉर्ड इट इज रिवर्स। द आउटर वन इज व्हाइट मैटर and the inner one is dark, that is the gray matter। तो इस तरीके से इसमें arrangement में difference भी पूछ सकता है। तो white matter और gray matter, यहाँ पे spinal cord white बाहर होता है, gray अंदर होता है matter। cerebrum में gray बाहर होता है outer पर और white inner side में present होता है। तो this is the simple way to solve this type of question। इस तरीके से हम इसको easily solve करते हैं, बहुत अच्छे marks आते हैं इसको solve करने में। Objective ही type है ये, लेकिन आता subjective में है। एक line, दो line का answer कितना समय लगेगा, तो समझिए, कोशिश करिए कि कैसे हम इसको easy आपके लिए बना रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए और आगे आप अच्छा कर सकें।
तो अगले लेक्चर में हम आपको जल्दी मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।